घर से बाहर निकल के बस लेफ्ट टर्न लिया, फिर याद आ गया ग्लव्स भूल गया। थोड़ा बार हो जाता है इतना लगेज वगैरह पैक करते करते थोड़ा भूलना हो जाता है ना। तो चलो अभी एक काम बचा है जो कि पेट्रोल। मैं कल रात में ही जाने वाला था पेट्रोल भरने के लिए पर नहीं गया क्योंकि बहुत सारा काम भी था बाकी पैकिंग का। तो अभी मिलते हैं पेट्रोल पंप पे। हो गया है जी 450 का पूरा पेट्रोल बैठ गया अंदर। अभी यहाँ से अपनी राइड की शुरुआत, लेह लद्दाख डे वन, मुंबई टू अहमदाबाद। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। कैसे आप सब लोग? भारी, अपन भी लाइफ भारी। मेरे साथ में और भी राइडर है, उनसे आपको मिलाऊंगा आगे। उनके लिए नी गार्ड, एल्बो गार्ड, जेरी कैन, ये हेलमेट सब लिया है। अभी ये फाउंटेन होटल तक जाने तक मुझे बस तकलीफ है, उसके बाद उनको एक बार ये सब दे दिया ना फिर मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा मस्त। तो चलो दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, यहाँ से अपना गाड़ी जाएगा क्या? तो चलो रोड पे जो भी राइडर है उनसे भी मिलाता हूँ। अभी थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा सा उजाला हो जाए तो फिर अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से उनसे भी आपको मिलाऊंगा मैं। ओ राइडर, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहला ये देता हूँ यार, मतलब मैं फ्री हो जाऊँगा। इतना डर डर के चला रहा था ना क्योंकि ये गिर ना जाए बस। वो पैर के सपोर्ट से बच गया था, नहीं तो गिर जाता। ये लो, ये आपके यहाँ पे आगे किधर लगा दो कैन, और ये हेलमेट पहन लो आप, बाकी नी गार्ड एल्बो गार्ड सब दे दो। काम कर दे इसको, इसको फिलहाल इसमें डाल देते हैं। हाँ वैसा ही करो ना, हाँ। इसकी ज़रूरत अपने को बहुत आगे है, हाँ। मतलब इसकी ज़रूरत अपने को बहुत आगे है ना, बोला। हाँ। तो चलो भाइयों, अभी फाउंटेन होटल के यहाँ से हम लोग निकल पड़े। अभी आगे एक सब्सक्राइबर है अपने, वो मिलने वाले कुछ किलोमीटर पे। कितने मंथ के बाद मैं राइड कर रहा हूँ, मेरे घर वाले भी बोल रहे थे जब मैं जैकेट निकाला ना, बहुत टाइम के बाद पहन रहा है ना। मैं बोला हाँ यार, बहुत टाइम के बाद पहन रहा हूँ और राइड पे भी निकल रहा हूँ। बस अभी कुछ दिनों तक, कुछ तो नहीं ज़्यादा ही दिनों तक, बस राइड ही राइड करना है और ज़िंदगी को खुल के जीना है। साला ये लॉकडाउन में फंसे पड़े थे घर पे, दिमाग आउट हो गया, कोरोना कोरोना यार। अभी बस ज़िंदगी को जीना है, महसूस करना है राइड को, पूरे नेचर के साथ फुल कनेक्ट। और एक बात, कैमरे का जो भी एंगल है मेरा वो सही है कि नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा ठीक नहीं है तो उसको ठीक करेंगे अभी। सही ट्रिप पे भी करके रखा है, 16 किलोमीटर हो गया, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ रहेगा। 3-4 किलोमीटर चलाने के बाद में मैंने ट्रिप पे किया है। साला हर टाइम मैं भूल ही जाता हूँ यार, घर से जब भी निकलता हूँ ना ट्रिप करने, याद ही नहीं रहता मेरे। कह रहा भूलने की बीमारी अपन को पहले से है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता होगा ये बीमारी जाती ही नहीं है। बादाम ज़्यादा खाना पड़ेगा आजकल, वैसा खा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। बढ़िया, और देख के फुल खुश हो गए। अरे कौन जा रहा है? क्या ना, बाइक पे तो पैनल्स वगैरह लगा के बहुत लोगों ने देखा है, पर स्कूटर पे ऐसा लुक थोड़ा कम बारी देखने मिलता है। तो अभी सब है ना, गाड़ी बीड़ी सभी कोई जा रहा है ना, फोर व्हीलर बाजू से सब ऐसा देख रहे। अपने पास में बाइक तो नहीं है पर अपना स्कूटर का भी अब लुक ऐसा है ना अभी कि लोग एक नज़र तो देख के जाते ही जाते। अपने सब्सक्राइबर है, मिलना है। नाम क्या? नागेश। ओके नागेश भाई, कल इन्होंने बात किया था कि भाई आप जाओगे तो बताना, मैं हाईवे पे रुकूंगा। थैंक्स भाई आने के लिए यार। तो नागेश भाई जो है वो भी हमारे साथ में विरार तक आएंगे। भी हमारे चैनल के मेंबर, हमारे भाई मुझे मिलते हैं ना वो टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। ओ भाई वो देखो, देखो क्या बात है यार, अभी हर दिन ऐसे ही नज़ारे देखने हैं बस। मनोज भाई ने भी टॉप बॉक्स लगाया है, AIG का टॉप बॉक्स है, और ये सैडल बैग बहुत मस्त लग रहा है लुक पीछे से। सूरत यहाँ से है 230 किलोमीटर, किलोमीटर किलो किलो हो गया किलो, 230 किलोमीटर ऐसा बोलना। और ये हो गए सूर्य देवता के दर्शन बहुत दिनों के बाद में। मैं जब भी राइड पे रहता हूँ ना वही टाइम पे बस सूर्य देवता को इतने सुबह सुबह देख पाता हूँ, बाकी टाइम पे नहीं हो पाता। तो कुमार भाई के मीटर में, और ये आ गया टोल नाका। आज के राइड का सेकेंड टोल नाका है।
छोटा सा ब्रेक लिया है, 100 किलोमीटर चला के हो गया, तो थोड़ा पार्टनर को भी आराम मिलना चाहिए। और यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर 50 किलोमीटर पे, तो अभी महाराष्ट्र बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे। तो क्या बोल रहे गोपाल भाई, कैसा लग रहा है पिलियन पीछे बैठ के? हाल बेहाल मनोज भाई, कैसा 100 किलोमीटर अपने राइड का स्टार्टिंग का कैसा लगा? एकदम परफेक्ट, एकदम बहुत अच्छा था, क्योंकि बारिश, हाँ बीच में थोड़ा बारिश मिला था ना, तो हम लोग ने कैमरा वगैरह निकाल दिया। वो कितना 10-15 मिनट का ही बारिश था ना, 10-15 मिनट का बारिश, ज़्यादा नहीं। वो तो मिलेगा ही, बारिश का ही सीजन है, उनके दिन है। लगता है फिर से बारिश आने वाला है, पर नहीं आए यार, फिर बार बार वो रुकना पड़ता है। गुजरात में भी बारिश है कि नहीं वो भी देखेंगे आगे जाके, अगर वहाँ पे भी है तो और लग जाएंगे। महाराष्ट्र चेक पोस्ट फुड़े आहे, ओके। अभी लंबे से ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद से आगे रोक सकते हैं। हाँ रोक लिया, रोक रहे 3-4 फोर व्हीलर वाले को तो रुका दिया है। लास्ट टाइम यही पे कुत्ता पीछे लगा था मेरे, याद है किसी को? अभी पीछे आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चेक कर रहे थे, फोर व्हीलर वाले का सबका कर रहे थे। हम लोग बाइक वाले साइड से निकल के, हमको किसी ने रुका है नहीं। कहाँ पे टेस्ट का रिपोर्ट लगेगा, कहाँ पे आपको रोकेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो भी भाई है जिनको लद्दाख राइड का प्लान करना है, तो उनको समझ में आए कौन से जगह पे क्या लगेगा। तो ये गुजरात का चेक पोस्ट है और हमने गुजरात में एंटर कर दिया है। अभी लगे मुझे जोर की भूख और अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। आगे एक 14-15 किलोमीटर पे अशोक भाई रुके, अपने सब्सक्राइबर है, तो उनसे भी मिलना है, तो वहीं पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं, कैसे बस ना? देखो मुंबई में कभी हुआ नहीं अपना मिलना, यहाँ पे मिले। तो वापी में पहुँच चुके हम लोग और ये अशोक भाई भी मिल गए। तो अभी हम लोग कर देते ब्रेकफास्ट, बोला अशोक भाई को मिलते थे, ब्रेकफास्ट भी हो जाए। तो ये कचौड़ी समोसा खत्म हो गया, समोसा खत्म, ये नहीं है समोसा, मैं खत्म कर रहा हूँ। ठंडा मत देना, बिस्लेरी सादा ही देना हमको। हाँ क्या है ना, ठंडा अभी पीना नहीं राइड के टाइम पे, अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो टेंशन वाला हो सकता है, इसके लिए सादा पानी सही है अपने लिए। थोड़े टाइम के लिए सोचा कि ब्रेकफास्ट अभी कचौड़ी भी खा ली है तो चाय पियेंगे, पर इतना गर्मी है कि यार चाय पीने का दिल ही नहीं कर रहा है। फिर छास, चलो मिलेंगे फिर से रिटर्न आते टाइम। हाँ चलो बाय। अभी यहाँ से सूरत देखते हैं कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर अभी चलाना है, उसके बाद में फिर से ब्रेक लेना है। अगर आप भी स्कूटर राइडर हो तो 80 या 100 किलोमीटर होने के बाद में एक हाफ एन आवर का ब्रेक ज़रूर लेना, इससे गाड़ी को भी आराम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा। इतने दिनों के बाद भी राइड कर रहा हूँ ना, अभी भी कुछ भी थकावट नहीं, कुछ पेन नहीं, सब सही चल रहा है अब तक तो। अभी किलोमीटर कितना, 156 किलोमीटर हो गया, क्या बात है बॉस, एक नंबर। हाँ भाइयों, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में मैंने जब आपको बताया कि यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं किया हमारा, तो अगर आप आ रहे हैं तो साथ में लेकर आना, फिर उन लोग चेक करें या नहीं करें, पर लेकर ज़रूर आना, अपने पास रहेगा वो सही है। चलो तो पेट्रोल भर देते, मैंने फुल टाकी किया था जब मैं घर से निकला था। ये देखो अभी भी 2 पॉइंट है और 200 किलोमीटर चला है, मतलब पकड़ लो मुझे कुछ 45 या 50 के एवरेज मिल रहा है। 360 पेट्रोल का रेट है 92। ये बस इसको सपोर्ट के लिए नीचे से ऐसा लगा दिया दोनों साइड से। हाँ बस अभी है, हो गया। देखो लग रहा है ना अपना एकदम टूरिंग टूरर स्कूटर एडवेंचर। सूरत यहाँ से 52 किलोमीटर है, टोल प्लाजा। ये आज के राइड का कितवा टोल है वो मैं भूल चुका हूँ अभी। स्टार्टिंग के 2-3 गए वो याद है।
का एकदम कड़क बंदोबस्त है, कड़क। ओके ओके ओके, कोई तो सब्सक्राइबर है, अपने सब्सक्राइबर ही लगता। चलो घूम के उधर ही जाते। कल आपने ही बात किया था इंस्टा पे, कैसे हो? बस क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा टाइम पीछे ही रुके थे। मैंने अभी मैसेज किया आपका, स्टोरी देखा। हाँ 10 मिनट पहले ही आपने रखा था। हाँ इसलिए मैंने सबका भी डीएम का रिप्लाई देने नहीं होता ना, राइट चालू रहता तो ऐसा होगा, जहाँ पे रुकता हूँ वहाँ पे फटक से रिप्लाई कर देता हूँ। क्या नाम आपका? कपन। कपन आपका? शिवम। शिवम चलो मिलेंगे। चलो भाई हाँ, रिटर्न में अगर हुआ तो मिलते हैं इधर, जरूर मिलेंगे रिटर्न में, वो साइड में जरूर मिलेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू। या ऐसा मेरा फर्स्ट राइड है कि इतने अपने भाई लोग सब मिले, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिल के। अब तक 217 किलोमीटर हो गया चला के, और सच में बोलूँ मेरे बम की ना अभी पूरी लगी पड़ी है। पर कह रहा है बार बार रुक के भी नहीं जमेगा ना यार, फिर कैसा बहुत देर हो जाएगा ना, बीच बीच में थोड़ा ऐसा उठ के फिर से बैठ जाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लग जाता। क्या हो गया बॉस, एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है? कुछ तो हो गया लगता है, उसको एकदम मचमच वगैरह हुआ लगा, लफड़ा। ये चलते रहता है रोड पे है ना, बहुत सारे जगह पे देखता हूँ ना ये होते रहता है। इसने मुझे कट मारा, तूने क्यों मारा दे इसको चमाट दे। अहमदाबाद यहाँ से 280 किलोमीटर है, सूरत 40। अभी 40 किलोमीटर चला के फिर सूरत में एक ब्रेक लेंगे थोड़ा 20-25 मिनट का, उसके बाद में देखते फिर किधर। वडोदरा, वडोदरा में भी मिलना है मनोज भाई, मिलने वाले। कौन मनोज भाई पता है आपको? कर्नाटका राइड में जो थे ना मेरे साथ राइड पे, वही मनोज भाई, वो मिलने वाले हैं। उनसे भी कल ही बात हो गया था, तो उनके साथ में लंच करेंगे। सूरत भी क्रॉस हो गया और 100 किलोमीटर भी हो गया, अभी पानी पीने के लिए रुके। अभी कैसा है ना, राइड के टाइम पे कम खाओ चलेगा पर पानी ज़्यादा पीने का। गोपाल भाई क्या हालत कैसी है? सच सच बता ना, झूठ नहीं चलता यार। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, ये सच है। बहुत अच्छा। तो पानी पी लेता हूँ। बहुत टाइम के बाद राइड कर रहा हूँ ना, पीठ भी अभी दर्द कर रहा है। कोई नहीं, होता है, पर क्या करने का ना, मतलब बैठे बैठे है ना, यहाँ पे ब्लॉगिंग करते ही नहीं है। चलो आगे ही करते। गुजरात में ना मैंने राइड करते में एक चीज़ बहुत नोटिस किया है, रॉन्ग वे से ना इतना लोग आते हैं ना, सारा ट्रक वाले भी ऐसा घुस जाते ना रॉन्ग साइड से। 5 रुपये का अक्कल नहीं, क्या बोलने का। मस्त अभी ओल्ड सॉन्ग लगा है इंटरकॉम पे, मस्त सुनते सुनते तेरे बिना जिंदगी से कोई, क्या बात है क्या बात, कुछ भी बोलो यार। जो पुराने गाने में जो मज़ा है ना वो अलग ही है। ऐसा नहीं, आप के गाने भी बहुत सही है पर ओल्ड इज गोल्ड ना बड़ी। यह ब्रिज मुझे बहुत पसंद है, खर्चा किया बॉस, खर्चा किया। तो मनोज भाई लद्दाख जा रहे हैं पिलियन के साथ में, स्कूटर का भी लुक बहुत पीछे से ना एकदम मस्त दिख रहा है। वाकई क्या गोपाल, गोपाल ओए गोपाल भाई, सब बढ़िया बढ़िया। एक बात है ना समझ लो, अगर दिल से कुछ भी चाहो ना, ये मुझे करना ही है, तो आप कर सकते हो। जैसे कि मनोज भाई पिलियन स्कूटर पे पिलियन लेके जा रहे हैं, मतलब सोचो सब कर सकते, बस जिगरा चाहिए, जिगरा। कैसे है, बढ़िया ना? नहीं भारी है ना, फुल लुक चेंज ना। हाय कैसे, ठीक ना? यहाँ पे बस थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया, बस गुड बाय कह के आगे का जर्नी कंटिन्यू हो गया। दिल्ली यहाँ से बराबर 1004 किलोमीटर है, तो परसों हम रहेंगे दिल्ली में। तो बढ़िया, यही तो ढूंढ रहे थे सुबह से, अब जाके मिला है गन्ने का जूस। मनोज भाई बोल रहे सुबह से यही चीज ढूंढ रहे। हाँ
मैं जैसा देखा वैसा वही बोला था ब्लॉग में, सुबह से देख रहे हैं कि आप मिल गया। बाकी क्या हाल, सच सच बताना, सच सच बताना। हाल बेहाल है, पर एक बात बोलूँ क्या, एक बात बोलता हूँ, इनको ना मान लिया मैंने, क्यों बताओ, क्योंकि चलाने वालों को जितना तकलीफ ना होता है ना, उतना पीछे बैठने वालों को बहुत दर्द होता है ना। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं समझ सकता क्योंकि लॉन्ग राइड पे मैं कभी पीछे बैठ के नहीं गया है ना, तो आपका दर्द बस आप अकेले ही समझ सकते हो। तो भाई वो मनोज भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे, मन्नू मनोज करके, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, हम पर भी प्यार बरसाइए जरा। गोपाल भाई आप कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। रात को, अरे रात को क्या है? क्या बात है बॉस, बहुत प्यारा सा सनसेट होने आया है, मिलते हैं कल सुबह सनराइज के टाइम पे। अभी आप भी चले जाओ, हम भी चले जाते हैं होटल में। तो फाइनली होटल में पहुंच चुके, अहमदाबाद में स्टे है आज का। तो सबसे पहले आपको रूम दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे एक बेड, वहाँ पे एक सिंगल बेड, छोटा सा ही रूम है पर बहुत ही बढ़िया है। तो गोपाल भाई आज का राइड कैसा था, कुछ एक्सपीरियंस आपको बताओ। अच्छा था, बस बहुत लग गई क्योंकि ऑब्वियसली पिलियन ना स्कूटी पे रहा, पीछे ट्रैवल करना बहुत इजी नहीं है, तो डेफिनेटली टफ रहता है, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है, चलो सही है। अभी और अपना 16-17 दिन बाकी है, हाँ तो झेल लेना, चलेगा। और सबसे पहली बात आपको बताना है कि बहुत सारे भाई मुझे डीएम कर रहे हैं कि भाई जो भी रोड पे रोक रहे हैं या आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह लग रहे हो तो सब बताना वीडियो में। तो आरटीपीसीआर टेस्ट मेरा कहीं पे भी चेक नहीं किया है, फिर भी अगर आप मुंबई से निकल रहे हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट करके ही निकलना। अगर मुझे रोका नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको भी नहीं रोकेंगे, आपको रोक भी सकते, तो आपका टेस्ट रहेगा तो सही रहेगा। बाकी आज का जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो लाइक तो ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सबको पता चलने दो कि बाइक से ही नहीं स्कूटर से भी लेह लद्दाख कर सकते, स्कूटर से भी हम लॉन्ग राइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबको शेयर करना है, और सब्सक्राइब अगर किया नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आज का ये जो दिन था बहुत ही बढ़िया था, थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ बहुत दिन के बाद राइड किया, तो कोई नहीं कल से सब सही हो जाएगा, अभी आदत सी हो ही जाएगी ना, 17-18 दिन और बाकी। चलो गाइस, तो मिलते हैं ऐसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।